तो कोई इन्हें ही चार वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। Thank you.
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर रहे ना रहे, चांद तारे फलक पर रहे ना रहे, चांद तारे फलक पर रहे ना रहे, चांद तारे फलक पर रहे ना। सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके, नारायण नमोस्तुते। परम आदरणीय व्यास जी, दादा लक्ष्मी को लक्ष्मी ने और परम आदरणीय श्रोतागण, आपने सात पांच छह दिन आज पांच दिन हुई है, चौथा दिन आपने तीन दिन कथा ज्यादा सुनी मुझसे, इसलिए आप मेरे पूज्य बंधुवर। एक प्रश्न का समाधान कर देता हूं मैं, श्रीमद् भागवत श्री जहां से तुमको लाभ ही लाभ होना है वो ये भागवत है। क्या लाभ होना है अब मैं थोड़ा बताऊं, इस भागवत को करके हमें क्या फायदा मिला। सुन लो माताएं चौकन्नी हो जाएं, आप पर ही मैं निशाना लगाऊंगा, आपको ही मैं बताऊंगा, आपके द्वारा अपना आपको यानी आपको अपना गवाह बनाओ करके इन सारे पुरुष वर्ग की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितना भी उनका संदेह है, सारा का सारा समाप्त करूंगा। जरा माताओं से पूछता हूँ, तुम्हारे पास आत्मा है? बोलो माताएं बोले, आत्मा है? कितनी आत्मा है तुम्हारे पास? अब समस्या आ गई है। हाँ बोलो, तो जरा बोलो कितनी आत्माएं हैं। तो सुन लो, आत्मा यदि यहाँ से चली जाएगी तो शरीर ठंडा हो जाता है, होता कि नहीं, तटकार हो जाता है। अब मैं आपको बात बताऊं, जो ये हमारे भीतर पांचवें महीने में वो परमात्मा प्रविष्ट करता, कितने महीने में? पांचवें महीने में। हाँ, पांचवें महीने से माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, ठीक, उससे पहले नहीं भागता। तो इसका मतलब हुआ उससे पहले आत्मा नहीं है। अब जब आत्मा नहीं है तो उसको टटकार हो जाना चाहिए, उसके तो हाथ भी निकल रहे हैं, पैर भी निकल रहे हैं, आंख भी निकल रहे हैं, कान भी निकल रहे हैं, हमारे सबके हुए कि नहीं, तो वो क्यों निकले भाई जब वहां आत्मा नहीं है? तो मेरे मित्रों सुनो, जीवात्मा है ये, जो माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाती है गर्भाधान के समय ही। जरा चौकन्ने होकर के सुन ले, और मेरे मित्रों यानी पांचवें महीने का प्रारंभ होता है, तब परमात्मा आती है ब्रह्मरंध्र से। जीवात्मा कहां से आती सुन लो, हमारे शरीर से, हमारे मलिन अंगों से जीवात्मा आती है, क्योंकि कर्महीन है वो जीवात्मा, कर्म से रहित है, सत्कर्म से रहित है, इसलिए वो जब आती है तो चलने लग जाता है, और माँ के गर्भ में हम लोग हिलने डुलने लगे कि नहीं, पांचवें महीने के बाद, उससे पहले मुरली बज रही थी, ठीक है कि नहीं। तो देखो, याद रखना, हमारे भीतर यानी बिना आत्मा का शरीर नहीं बनता। तो पहले जीवात्मा थी, पहले कौन आत्मा थी? जीवात्मा थी, और पांचवें महीने में परमात्मा आई। परमात्मा और जीवात्मा का जब मेल होता है
मेरे मित्रों, उसको मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतात् मुक्ति। वो परमात्मा को लाने वाला कौन है? ये श्रीमद् भागवत है। आया? इसलिए हमारा श्रीमद् कल्याण करने वाला भागवत जो है वो कौन है? यानी ये श्रीमद् भागवत जो हम कर रहे हैं। और मुक्ति किसकी होनी है? साफ कर दूं मैं, आप बुरा न माने, जब जिस मनुष्य के भीतर, माने इंद्र सिंह जी के उसमें है, मेरा उनसे बहुत पहले का लगाव है और बड़ा आनंद और बड़ा सारा विश्वास भी था, उनकी जो आत्मा है वो जीव आत्मा है, वो श्रीमद् भागवत मुक्ति, उससे मुक्ति हो जाती है। अंतर इतना है, हम लोग क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत को पढ़ करके उस जीवात्मा को मुक्त करा देते हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? वैकुंठे गति, वैकुंठ में गति हो जाती है, उसको मुक्ति कहते हैं। तुम्हारे घर में भी होता है हाँ, वैकुंठ देखा तुमने? वैकुंठ कहाँ देखा, जरा बता दो, वैकुंठ कहाँ मिला? देखो, जब विगता नष्ट हो गई है, कुंठा इच्छा शक्ति जहां से, वो वैकुंठ हो जाता है। जिसमें आपकी तृप्ति हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुक्त हो गए, उंगली नीचे, पाटली नीचे, घर नीचे, द्वार नीचे, रुपया नीचे, पैसा नीचे, मुक्ति हो गई, बस इतना ही है। जिस समय इच्छा शक्ति का दमन कर दोगे, मुक्ति हो जाएगी। तो जीवात्मन, ये श्रीमद् भागवत आपको इच्छा शक्ति की प्राप्ति करवाएगा दमन के लिए, और आप मुक्त हो जाएंगे। कृपा करना, ये मैं आप लोगों की तरफ से इस समय इंद्र सिंह जी को बोल रहा हूँ, हमको ये दे देना और बस आपकी मुक्ति हो जाएगी, हमारी भी मुक्ति हो जाएगी। बोला कृष्ण समुद्र की जय। हमें करवाता हूँ, व्यास से लंबा छोड़ा है, इसलिए बोलो व्यास महाराज की जय, श्रीमद् भागवत की जय। धन्यवाद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटायित विस्तुतः शिरोदेन वित्त श्रीमान्। काम करते काम बोलना, काम हो तो ऐसा हो, इतना मेहनती लड़का पहली बार देखा कि पूरा ड्रम को साफ करने के चक्कर में मगरमच्छ बन गया। ये अब देखो कौन पहचानता है इस आदमी को, कौन हो सकता है ऐसा?
कितनी मुसीबत में कर रहा, इतनी मुसीबत में था, इसने वो समय नहीं किया जब ये मुसीबत में था। दूसरा नंबर बाबू का नाम बोल। ये दो लड़के हैं भाई काम करने वाले, इतने भयंकर है कि अगर हमारे ग्राम रेंगाव में, ग्राम रेंगाव की इज्जत इन दो लोगों ने बचा रखी है। 12 बजे झाड़ू मार रहे बंदा, ओ देख लो फोटो खींच रहे हैं। ऐसे लड़कों को कौन नहीं बुलाएगा, और उनका एक 60 साल का आदमी खड़ा है, इनके ठेकेदार हैं ये, ओ 60 साल का, तो आपने 62-63 साल हो गया। ट्रेनिंग आप देते हो इन दो लड़कों को? ओ मैं तो दे रहा हूँ। कितने साल हो गए ट्रेनिंग देते देते? हो गया 5-6 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, शकल भी आ रही है। नवा यार गाड़ी थी यार, ये ऐसा है कि ये 50-20 आदमी का काम करते हैं। अच्छा 20 आदमी का, तो अगर काम करना हो तो आपसे संपर्क करेंगे हम। आप जरा अपना नंबर बता दो। एसएस भंडारी ग्राम रेंगाव। अच्छा फोन नंबर? फोन नंबर याद नहीं है। अच्छा दिहाड़ी कितनी देते हो आप इन लोगों को? दिहाड़ी तो मैं इनको अभी 700 ही देता हूँ। अच्छा, मेरा विचार है कि आप अगले कार्यक्रम से मैं 200 और बढ़ा देता हूँ। शानदार, 200 नहीं चाहिए, 200 में नहीं मानेंगे हम, 1000 रुपए चाहिए हमें। अच्छा ये तो काफी कर्मठ लग रहा है आदमी, बहुत ही, इनको तो हम ऐसे मिलेंगे भी नहीं। आप मिलेंगे भी नहीं? देख लो काम बता रहा है, रात 12 बजे झाड़ू, देख लो देखने वाली बात है सब। अगर कहीं वैकेंसी हो इनके तो बहुत हम भेज देंगे, हमसे संपर्क करना। अच्छा ठीक है ठीक है। और उसके बाद हमारे गुरजी, तो इन लोगों की वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूं जिससे इनका प्रचार प्रसार हो जाए। दिखाई दे रहा हो तो काम दिखाई दे रहा, इसमें झूठ की कोई बात नहीं है, बहुत हकीकत बात है जी। और सेकंड नंबर पर फिर दो लड़के और आ रहे हैं, ये देखो ये देखो, सेकंड नंबर पर दो लड़के और हैं हमारे। अच्छा वो भी लगे हैं कामों में। गजब गजब, आपने काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी इन लोगों को, बहुत जोरदार। लेट को फिर ये लेट के लिए मजे रे, तो 12-1 बजे लगे हैं ये लोग काम पे, और ये दोनों सिंटेक्स भर के जाएंगे लड़के, आज ही कह रहे हैं हमें। हम पूरा 500 लीटर पानी भर के जाएंगे, 1000 लीटर पानी भर के जाएंगे, इनने जिम्मेदारी उठा रखी है आज। लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण। Yeah.
कभी ना मावा अपने सावरे। हरि ओम महाभद्रंग नै विष्णुयं मदेवः भद्रंगसेमा क्षत्रियजनाः भैया
इम्पोर्टेंट है लेकिन कौन सा मैच खेलेंगे वैसे कुछ अलग हुआ है ना ए पैसे मत कर नारायणाय स्वाहा एकादाल सनहुना को जाया सपूर कहा पादो कुरुबा भूतान नमाज्या मृतं दिवी नारायणाय स्वाहा पादो गमदे कुरु कहा पादो से यह भक्त महा ततो विखंड ग्राम का धराम सने अभी नारायणाय स्वाहा ततो विराज जायत विराबो अधिकोर कहा बजातो अतुरित विदशा धूमतो पुरह नारायणाय स्वाहा नारायणाय 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 स्वाहा। हाँ अब उसके बाद ही।